नमस्कार दोस्तों, एस्टुडे में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको सभी को पता है कि आज जो है 23 मई है और आज जो है जो मतदान हुए हैं उसका रिजल्ट आने वाला है। आपको आज पता चलेगा कि आज जो सत्ता में किसकी सरकार आएगी। तो मैं दीपिका और मेरी सहयोगी अनु शर्मा जो है आपको पल पल की खबर एस्टुडे में देते रहेंगे, तो आप जुड़े रहिए एस्टुडे के साथ। अभी हमारे साथ कुछ बीजेपी के लोग जो हैं वो जुड़े हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है और वो यहाँ पे कितने बजे से आए हुए हैं। हेलो सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपको क्या उम्मीद है, इस बार कौन जीतेगा? हमने इससे पहले चुनावों से पहले भी चुनावों के बाद भी एक बार नहीं अनेक बार इस बात को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी न केवल हमीरपुर हिमाचल बल्कि पूरे देश भर में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएगी और विकास की जो परंपरा श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है ये लंबे समय तक इस देश के अंदर चलेगी। सर, आप यहाँ पे कितने बजे से आए हुए हो? हम सुबह 7:30 बजे से यहाँ आए हुए हैं और चुनाव परिणाम के बारे में हर राउंड की जानकारी जो है वो ले रहे हैं और अब तो स्पष्ट ही है कि रिकॉर्ड बहुमत की ओर पूरा प्रदेश पूरा देश बढ़ रहा है। जी सर, क्योंकि अभी बीजेपी जो है वो काफ़ी वोटों से आगे चल रही है और जो कांग्रेस और बाकी पार्टी हैं वो कम है उनकी, और बीजेपी जो है वो काफ़ी आगे चल रही है, तो आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे? बीजेपी के आगे चलने का केवल एक कारण है, जो पिछले 5 वर्षों में देश के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी ने उससे पहले की यूपीए सरकार के समय का कि जो कुव्यवस्था थी उसको ना केवल दुरुस्त किया बल्कि देश को विकास की पटरी पर तेजी से आगे ले जाने का भी प्रयास किया। और पिछले 1.5 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर हमारी प्रदेश सरकार ने बढ़िया काम किया। हमारे जो सांसद थे, चाहे श्री अनुराग ठाकुर जी थे चाहे अन्य सांसद थे, उन्होंने मेहनत के साथ जी तोड़ प्रयास किया कि इस प्रदेश को इस देश को आगे ले जाएं। इस समय लगभग 10 बज चुके हैं और अभी तक हमीरपुर जो संसदीय क्षेत्र है उसके 3 राउंड हो चुके हैं। जो सूत्र हैं उनसे पता चला है लगभग अनुराग सिंह ठाकुर जो हैं इस बार 73,000 मतों से जीत रहे हैं। लेकिन आपको एक हैरानी की बात इस समय बता देता हूं, इतनी बड़ी लीड होने के बावजूद जो भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरा ग्राउंड इस समय खाली है, गाड़ियाँ लगी हैं, बीजेपी के कुछ गिने चुने कार्यकर्ता ही यहाँ पर ग्राउंड में आए हुए हैं। लोग भी इस बार जो हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में इस ग्राउंड में आ जाते थे, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि इस समय नहीं आ रहे हैं। पुलिस के द्वारा जो है पूरी मुश्तैदी के साथ पूरा ग्राउंड सील किया गया है, देख सकते हैं आप। कहीं ना कहीं पार्किंग की जो व्यवस्था है वो अच्छी है, इस बार गाड़ियों की पार्किंग भी अच्छी है। लेकिन जो भाजपा कार्यकर्ताओं में, क्योंकि 3 राउंड के बाद लगभग 73,000 की लीड होने के बावजूद ना ढोल है ना नगाड़े हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह जो जरूर जो है वो बीजेपी पे लग रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी क्या इससे बड़े मार्जिन की उम्मीद रख रही थी ये भी एक सोचने वाली बात है। 4 राउंड जो हैं वो खत्म हो चुके हैं और 1 लाख से ज़्यादा की लीड जो वो अनुराग ठाकुर दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं बीजेपी के मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त जी से कि वो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने इस बार अनुराग ठाकुर की 5 वर्ष की उपलब्धियों को, उनके कामों को, जो उन्होंने जन कल्याण के लिए अपना दिन रात एक करके मेहनत की थी, उसके लिए वोट किया है। और आज मैं समझता हूं कि अनुराग ठाकुर की जो जीत का आंकड़ा है वो 2 लाख से भी ऊपर बढ़ के जाएगा, इसलिए मैं अनुराग ठाकुर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वहीं पर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की सभी मतदाताओं को, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इस जीत के जो श्रेयधारी हैं वो सभी लोग हैं जिन्होंने अनुराग ठाकुर को बढ़ चढ़ के मतदान किया है, और जो चुनावों के रुझान है वो स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं कि एक तरफा जो जीत है अनुराग ठाकुर के लिए एक तरफा मतदान हुआ है। ये अनुराग ठाकुर की उपलब्धियों, उनकी सोच, उनकी विजन और उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं का नतीजा है। सर, जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे थे उसमें जो है बीजेपी जो है वो काफ़ी मतों से जीत रही थी, तो उसके ऊपर कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता हैं वो बोल रहे हैं कि ईवीएम मशीन में खराबी थी, तो उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे आप? कांग्रेस के लोगों के पास इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उपलब्धियों के दम पर, जो उन्होंने विकास कार्य 5 साल किए थे और जो उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त इस देश को शासन दिया था, भारतवर्ष को दुनिया में नाम बढ़ाया और एक बड़ी शक्ति के रूप में उभारा था, उसके दम पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है। जबकि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ दुष्प्रचार किया, झूठ बोला, बोलने के लिए कांग्रेस के पास कुछ है भी नहीं। घोटाले और भ्रष्टाचारों से कांग्रेस पार्टी का पूरा दामन जो है वो दागदार है। इसलिए कांग्रेस पार्टी पहले तो एग्जिट पोल को नकारती रही, फिर बाद में उन्होंने ईवीएम मशीन का रोना अब शुरू कर दिया है, जो सरेआम दर्शाता है कांग्रेस की हताशा है, निराशा है, और कांग्रेस पार्टी का जो है इस देश में से नामो निशान मिटना जो है वो बिल्कुल ही निश्चित है, सुनिश्चित है। सर, अभी जो अनुराग ठाकुर जो हैं वो
एक लाख से ज़्यादा वोट से लीड दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितने लीड से वो जीतेंगे? मैंने पहले भी कहा, ये जो रुझान है चुनावों के अभी तक आए हैं चार राउंड्स के, ये स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं कि अनुराग ठाकुर के लिए मतदाताओं ने एक तरफा वोटिंग की है और निश्चित रूप से अनुराग ठाकुर की जो जीत होगी ऐतिहासिक होगी, नया रिकॉर्ड वो जीत का बनाएंगे। पहले वो 2.25 लाख वोटों से अपना पहला चुनाव जीते थे और अपना आज का ये जो इस बार 2019 का चुनाव है, निश्चित तौर से अनुराग ठाकुर 2 लाख से भी अधिक मतों से इस चुनाव को जीत का नया रिकॉर्ड बनाएंगे और चौका लगाने वो जा रहे हैं। 11:45 बज चुके हैं और 6 राउंड जो है वो खत्म हो चुका है और अभी तक अनुराग ठाकुर जो हैं वो 1.5 लाख से ऊपर की जो लीड है वो अनुराग ठाकुर दे रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर 528 मतदान केंद्रों के ईवीएम की काउंटिंग हो रही है, जो 11 प्रत्याशियों का जो रिजल्ट है वो इसमें आने वाला है, तो देखते हैं कि इस पर किसकी सरकार जो है वो सत्ता में आती है और कौन यहाँ पे जीतता है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं यहाँ पे, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि उनको क्या लगता है कि इस बार अनुराग ठाकुर जो हैं वो कितने मतों से, कितनी ज़्यादा मतों से जो हैं वो जीतते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि इस बार जो अनुराग ठाकुर हैं वो कितने मतों से जीतेंगे? देखिए, कितने मतों से जीतेंगे ये तो इलेक्शन कमीशन वाले अभी थोड़ी देर बाद बता देंगे, पर ऐतिहासिक जीत वो दर्ज करेंगे। ये अब भी मैं बोल रहा हूँ, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ना केवल हमीरपुर के लिए, हिमाचल के लिए, बल्कि पूरे भारतवर्ष में ये दावा हमने किया था। जो हमारी कार्य पद्धति रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्य पद्धति पिछले 5 वर्षों में देश के अंदर रही और पिछले 1.5 वर्ष से हिमाचल प्रदेश के अंदर रही, और जिस तरह जो कार्यशैली हमारे सांसदों ने दिन रात मेहनत करने का जो प्रयास हमारे सांसदों ने किया, उसी का परिणाम है कि श्री अनुराग ठाकुर जी आज हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे। सर, जैसे कि एग्जिट पोल के जो नतीजे थे वो बीजेपी के साइड आ रहे थे, तो कांग्रेस की जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बोल रहे थे कि जो ईवीएम मशीनों में खराबी है, तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? कांग्रेस की दुर्दशा होने का कारण यही है कि उन्होंने कभी सही जो कारण थे अपनी हार के वो नहीं खोजे, वो हार के बाद हारते गए और बहानेबाजी करते रहे। अगर वो सही कारणों को ढूंढेंगे और उन पर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आगे आएंगे, पर ऐसा होने वाला नहीं है। वो इससे पहले भी इस तरह की बहानेबाजी करते आए हैं, जबकि जो पंजाब में जीतते हैं, मध्य प्रदेश में जीतते हैं, राजस्थान में जीतते हैं, तब वो ईवीएम की भूमिका पर प्रश्न नहीं करते, पर जब अब आम चुनावों में उनकी दुर्दशा हो रही है, दुर्गति हो रही है, तो इस तरह की बहानेबाजी करके एक कहीं ना कहीं वो गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है उसको दर्शा रहे हैं, जो कि लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सर, इस बार जो वोटिंग की परसेंटेज है वो काफ़ी हद तक बढ़ी है, पहली बार है जो कि बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई है, उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हिमाचल में भी और पूरे देश में भी जमीनी स्तर पर काम किया है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये प्रयास किया है कि पूरे देश का एक समान विकास हो, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक तौर पर यह प्रयास किया है कि अधिक से अधिक मतदान हो। कार्यकर्ता जिम्मेवार भूमिका में ना केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि राष्ट्र के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए जिम्मेवार भूमिका निभाए, इसी का परिणाम है कि अधिक से अधिक मतदान हुआ और ये लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा है। सर, जिस तरह से जो वोटिंग के रिजल्ट आ रहे हैं उस तरह से यहाँ पे भीड़ नहीं है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे उसके ऊपर? मैडम, भीड़ आपको जो इलेक्शन कमीशन की जो मशीनें हैं, ईवीएम है, उससे आपको भीड़ के बारे में भी पता चल रहा होगा कि भीड़ किस ओर है। बाकी रही यहाँ की बात, तो ये प्रातःकाल का समय है, लोग टीवी पे देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, और डिजिटलाइजेशन के दौर में आपको पता है कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का ही भूमिका है ही है, और भीड़ भी आपको जल्दी नज़र आएगी। हमारे साथ कुछ और भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे जो वोटिंग के रिजल्ट्स आ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, प्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता को रुझानों के तहत जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री अनुराग सिंह ठाकुर को लीड मिल रही है, उसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि इस बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। सर, आपको क्या लगता है कि इस बार जो अनुराग ठाकुर हैं कितने की लीड से जीतेंगे? इस बार मेरे अपना अनुमान है कि 2 लाख से ज़्यादा की जीत हासिल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से करेंगे।
इस बार जो परसेंटेज है वोटिंग की वो काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? उसके लिए मैं जो नए वोटर थे उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और जो महिलाएं थी वो उन्होंने इस बार बहुत ज़्यादा वोट किया और महिलाओं के इस बार वोटिंग में बहुत ज़्यादा भागीदारी रही, और मैं महिलाओं को भी इसके लिए आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा। नमस्कार, मैं हूँ अनु शर्मा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मतगणना की जा रही है जो कि हमीरपुर के बाल स्कूल में की जा रही है, इसमें आज तक जो अभी तक जो हो चुके हैं, जो सातवां राउंड चला है, छह राउंड पूरे हो चुके हैं, छह राउंडों में 2.25 लाख से ऊपर जो है अनुराग जी ने लीड प्राप्त कर ली है। आइए जानते हैं बीजेपी की महिला मोर्चा से कि उनका क्या कहना है इसके बारे में। जी मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे कि अनुराग जी ने 6 राउंड पूरे कर लिए, सातवां राउंड चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखो, अनुराग जी 2.25 लाख वोटों से जो आगे बढ़त बना चुके हैं और हमारा एस्टिमेट तो ये जाता है कि 2 लाख से ऊपर जाएंगे। जो वर्करों ने और महिला मोर्चा ने सबने मिलकर मेहनत की है वो उनकी मेहनत रंग लाई है, जो उन्होंने संघर्ष किया, जो भूमि स्तर पर जुड़े रहे और सभी लोगों से संपर्क में रहे, उन लोगों की वजह से जो अनुराग ठाकुर जी बहुत आगे बढ़ गए हैं। जी मैम, आपका क्या कहना है? हम भी बहुत खुश हैं, अनुराग जी ने काम किया है और वोट पाया है, मोदी जी ने काम किया है और उस हिसाब से उनको जनता ने वोट दिया है, और मोदी जी को लाइक करते हैं, अनुराग जी को लाइक करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश हैं। आज हमीरपुर की जनता बहुत खुश है, हिमाचल की जनता बहुत खुश है। आपका क्या कहना है इसके? हम बहुत खुश हैं कि हमारे अनुराग भाई जी बहुत अच्छी तरह से जीत रहे हैं और उन्हें जो काम किया है उसके मुताबिक उन्हें लोग दिल से चाह रहे हैं। जी मैम, आप बताइए कि अनुराग ठाकुर ने 6 राउंड पूरे हो चुके हैं, जो कि 6 राउंड में अनुराग ठाकुर ने बहुत बड़ी जीत हासिल की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं धूमल साहब को बधाई देती हूँ, अनुराग जी को बधाई देती हूँ, और सारी मतदान जिन्होंने किया है उनको बधाई देती हूँ, और हम लोग बहुत खुश हैं, महिला मोर्चा बहुत उत्साहित है। आप देख सकते हैं पीछे भी बीजेपी के कार्यकर्ता जो कि नारे लगा रहे हैं, इससे साबित होता है कि मोदी जी इस बार बड़े जीत हासिल करेंगे। वो खत्म हो चुके हैं और अभी 13वां राउंड का भी रिजल्ट आने वाला है, तो अभी तक जो है वो 2 लाख से ऊपर की लीड जो वो अनुराग ठाकुर दे रहे हैं। तो हमारे साथ हैं नादौन विधानसभा क्षेत्र के विजय अग्निहोत्री जी, तो आइए उनसे जानते हैं कि इतनी बड़ी जो लीड जो अनुराग ठाकुर दे रहे हैं उसके लिए जो देश में है वो किस तरह से विकास हो सकता है। सर, जो अभी जो 2 लाख तक की आंकड़े जो हैं वो यहाँ पे मिल रहे हैं कि 2 लाख से ज़्यादा की लीड जो है वो अनुराग ठाकुर दे रहे हैं, तो उसके लिए आप हमें ये बताइए कि किस तरह से विकास हो सकता है मतलब हमारे क्षेत्र में। जिस तरह से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर अनुराग ठाकुर जी पर जो विश्वास जताया है, वो जहां इतनी बड़ी लीड है वहां इतना बड़ा विश्वास और इतनी बड़ी जिम्मेवारी भी भारतीय जनता पार्टी और अनुराग ठाकुर जी पर आ रही है, और उसके कारण से यहां का विकास, चाहे वो रेलवे का है, चाहे वो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर नेशनल हाईवेज का जो थोड़ा पेंडिंग काम पड़ा उसको तेज गति से करने की आवश्यकता है, यहाँ का मेडिकल कॉलेज है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर है, ये सारे पाइपलाइन के केसेज हैं वो जो जिनका विकास चल रहा है उनको स्पीड अप बहुत जल्दी किया जा सके ताकि लोगों के लिए वो उपलब्ध हो सकें, और ये सारी चीज़ें जब मैच्योर हो जाएंगी तो ये जो विश्वास है ये उसी के लिए है, ये जो मत है वो भी उसी के लिए है। सर, इस बार जो है हमारे यहाँ पे पूरे इसमें हिमाचल में भी और कई जगहों पे जो है जो वोटिंग की परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा हुई है, तो आप उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे कि क्यों जो है लोगों ने इस बार बहुत से ज़्यादा मतदान किया है? इस बार लोगों का ज़्यादा मतदान इस करके भी था क्योंकि सरकार ने बड़ा इनिशिएटिव के साथ लोगों को जागरूक भी किया, और लोगों में एक बात थी, आम एक जो नया वोटर बना है और जो पढ़ा लिखा वोटर है उसको एक लगता था कहीं
मेरे वोट ना देने के कारण से जो आज देश को राष्ट्रवादी एक सरकार मिली है, एक प्रधानमंत्री जो दिन में 18 घंटे काम करता है, जिसने 20 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली है, जिसने इस देश के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया है, ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ेगा और कहीं मैं वोट ना दे पाया और कहीं ये सरकार बनने से चूक गई तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, ऐसा बोध आज भारतीय मतदाता को हुआ, उसके कारण से ये ज़्यादा मतदान हुआ है। ठीक कहा, सही कहा सर आपने। अब हमें ये बताइए कि जो अभी हाल ही में जो एग्जिट पोल के जो नतीजे थे वो आ रहे थे कि बीजेपी जो है वही जीत रही है, तो उसके ऊपर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बोला कि ईवीएम में खराबी है, तो उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे आप? अब जब पूरा देश और इलेक्शन कमीशन सबको बुला के और ये भी चैलेंज करके कि कोई इसको हैक कर सकता तो हैक करके बताए, ये सब उनकी आंखों के सामने हुआ है, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस जीती है तो ईवीएम ठीक होती है, लेकिन जब वो हारते हैं तो ईवीएम खराब होती है, ईवीएम हैक हो जाती है, ऐसा कहना ये केवल इलेक्शन कमीशन या इस देश के लोकतंत्र के ऊपर कोई प्रहार नहीं है। इसके साथ साथ ये जो बोलने वाले हैं वो अपनी मानसिक दशा और अपनी बौद्धिक दशा भी दर्शाते हैं। जो कभी बोलते हैं कि जी हम अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, कोई इंग्लैंड में पढ़े हैं, कोई कहीं पढ़े हैं, उनको जब ईवीएम के बारे में ऐसी उलझुल बातें करते हैं तो हंसी आती है, वो अपना इससे गवाते ही हैं, कोई सिंपथी उनको ऐसे नहीं लगती है कि किसी कोई व्यक्ति ये सोच लेगा कि जी ईवीएम खराब है इस करके हार गए, वो अपनी खिल्ली उड़ाते हैं। सर अभी तक जो है अनुराग ठाकुर जी जो हैं वो 2 लाख से ज़्यादा की लीड दे चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितनी ज़्यादा वोटों से जो है अनुराग ठाकुर जीतेंगे? 3.5 लाख, 350 एनडीए की सीटें आएंगी और 3,50,000 से अनुराग ठाकुर जी जीतेंगे। बंदे भारत माता की जय।